लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। आप सबका बाली में स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे छोटे से खूबसूरत टापू पर आए। अब आप चैन से बैठ जाइए और बाली के इस शानदार डांस का मजा लीजिए। कहते हैं कि इससे लोगों की किस्मत पलटती है और खुशहाली आती है। जेंटलमैन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस रोमांचक सैर का पूरा मजा ले रहे होंगे। अभी आप दुनिया के सबसे घने और खूबसूरत जंगल में हैं, मगर आप सावधान रहिएगा क्योंकि कहीं से भी कोई भी खतरनाक जानवर आ सकता है। वो देख रहे हैं गोरिल्ले, कितने सुंदर है ये। और वो देखिए ट्राम की दूसरी तरफ कौन है। यहाँ पर ऐसा कोई है जो इन्हें खाना खिलाने की हिम्मत रखता हो? मजा आ रहा है ना? अभी देखते जाइए, बहुत कुछ देखने को बाकी है दोस्तों। अगर हम भी ट्राम में आए होते तो हमारे पैरों को इतनी तकलीफ नहीं होते। हाँ, आराम से बैठते और खाने को केले भी मिलते। देखो ये वही पायलट है जो हमें एल्फ्स में ले गया था। अरे हाँ, और बाद में हमें मॉल में भी तो मिला था। ज़ैंडर, तुम इसे भूले तो नहीं हो ना? इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, गुड लक। उसे कैसे भूलूंगा, वो सपने में भी नजर आता है। इसके बाद भी तुम उसके साथ जाना चाहते हो? उससे ये तो पूछ लो कि यहाँ कोई डायनासोर दिखा या नहीं। पूछने का क्या फायदा, हम सुबह से तो भटक रहे हैं पर अभी तक तो हमें एक भी नहीं दिखा। बात तो सही है, हम ढूंढने के उस्ताद हैं। जब हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो वो सन की पायलट कहाँ से ढूंढेगा। सुनो, ला डी ला 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 ला। चलो अब मेरे साथ गाओ, ठीक है पेरिस? ला डी ला 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 ला। अच्छा सुनो, अब इस तरह से गाओ, ला 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 ला। खेलना मना है, पूरा ध्यान सिर्फ गाने पर लगाओ। ला 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 ला। पता नहीं क्या बात है, शायद आज पेरिस का गाने का मन नहीं कर रहा। शायद? अरे उसे तो गाना गाना आता ही नहीं। गाना तो सिर्फ चौंप ही गा सकता है। देखो वो गाने की कोशिश कर रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं जानते रेक्स, पता है पेरिस बहुत अच्छा गाती है एक डायनासोर होने के बावजूद। मैंने सही कहा ना पेरिस? क्या है ये, क्या
मुझे नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा है जोई, इसे आज क्या हो गया है? आओ, और इसे हुआ क्या है? मुझे लग रहा है कि इसने आज पूरी कसरत नहीं की है, क्योंकि यहाँ दौड़ने भागने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ ये हो सकता है, हम इन्हें घुमाने ले जाते तब भी पट्टा बांधते हैं। मैं चॉम को ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ वो जी भर के दौड़ सके। हाँ यही सही रहेगा, इन डायनासोर की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, और शायद इसी वजह से ये यहाँ घबरा भी जाते हैं। शांत हो जाओ। मैंने इन्हें खुली जगह पर लाने की बात कहकर ही गलती कर दी। डैड, एक और डायनासोर नजर आया है। इस बार कहाँ दिखा है? बाली नाम के टापू पर। ये कहाँ है? वो इंडोनेशिया में एक बहुत ही छोटा सा टापू है। वहाँ के बीचेस पर काफी टूरिस्ट आते हैं, पर उसका ज्यादातर हिस्सा अभी तक किसी ने नहीं देखा। जंगल ही जंगल है। अरे यार, ये कौन सा जानवर आ गया यहाँ? मुझे तो लगता है कि ये डिस्प्लेंटोसॉरस है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ डायनासोर होगा, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जान बचानी हो तो गिरते पड़ते भाग निकलो यहाँ से। बड़े जोरों की भूख लगी है। अगर वो दो चार केले हमें दे देता तो कितना अच्छा रहता। हमें केले तो नहीं दी, मगर हमारे पापड़ जरूर बना दिया। बिना सोचे मत बोला करो। तो ये है बाली शायद, लेकिन वो डायनासोर बीच पर नजर नहीं आया था, इसके मुताबिक वो जंगल में कहीं है। तो जल्दी चलो वरना वो और आगे निकल सकता है। ओए, अब तुम कहाँ भाग रहे हो? हम लोग यहाँ खेलने नहीं आए हैं। कमरे की चाबी खो गई है, अब नई चाबी बने तक हमें यहाँ पूल के किनारे ही इंतजार करना होगा। हाँ, और जब तक हमारे पैसे नहीं आ जाते तब तक हमें उधार का खाना भी खाना पड़ेगा, है ना? मैं तो 50 के लिए और 5 लीटर दूध लूंगा। कहाँ के भुक्कड़ है ये, तुम तीनों तो यहाँ खड़े रहने लायक भी नहीं हो, चलो निकलो यहाँ से। एक बार आप फिर सोच लीजिए सर। हम आज और अभी जा रहे हैं। नहीं सर, आप शायद उसे ठीक से देख नहीं पाए होंगे, यहाँ तो कोई डायनासोर है ही नहीं, मेरा यकीन कीजिए सर। तुम ये मत बताओ कि उन्होंने क्या देखा है और क्या नहीं। रुकिए। अगर ये वक्त नहीं हुई तो मेरे होटल को ताला लग जाएगा। आप किसी डायनासोर से परेशान हैं? घबराइए मत, हम जो आ गए हैं, हमारा तो काम ही है उनसे लोगों को छुटकारा दिलाना, मगर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, कितने पैसे लोगी? तुम डायनासोर को भगाना चाहते हो या नहीं? चाहता हूँ, मगर उन लोगों ने जिस जानवर को देखा था वो सचमुच डायनासोर ही था क्या? काफी बड़ा भी था। एक काम करो, तुम उसका इंतजार करो, जब वो तुम्हें खा जाए तब तुम हमें बुला लेना अपनी बर्बादी के बाद, ठीक कहा ना मैंने? सुनो सुनो, तुम उस डायनासोर का पता लगाओ और खत्म कर दो, तब तक तुम लोग हमारे होटल के खास मेहमान हो। वेलकम। मजा आ गया। जी तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे एक डिलक्स सूट और मुफ्त का खाना इतनी आसानी से मिल जाएगा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो सिर्फ तंदूरी चिकन और टिक्के खाने वाला हूँ, पहले थोड़ी देर स्विमिंग की प्रैक्टिस कर लूँ। उतारो उतारो। Encoded by Singh Inderjeet YouTube channel. ये ढूंढेंगे वरना हमारा मुफ्त का मजा खराब हो जाएगा। सुनो मैक्स, हम सही रास्ते पर ही जा रहे हैं ना? हाँ ये सही रास्ता है, तुम बेकार में डराना बंद करो। सुनो बच्चों, यहाँ से चले जाओ, इस जंगल में एक बहुत बड़ा डायनासोर घूम रहा है। सचमुच वो यही है? हाँ वो यही है, मेरी कार में तुम लोगों के लायक जगह नहीं है, मेरी बात मानो, जल्दी से जल्दी यहाँ से लौट जाओ। हम आपकी बात याद रखेंगे सर, शुक्रिया। मैंने कहा था ना जोई, हम काफी करीब हैं। सही कहा। रुको ईस, आराम से बैठोगे? मैंने मुफ्त का इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। हमारे में डायनासोर को ढूंढने भी तो जाना है। जब भी बोलोगे उल्टा ही बोलोगे, हमारा दिमाग खराब है जो हम उसे ढूंढने जाए, जब तक वो नहीं आता ऐश करो, ये लो चेरी पॉप खाओ। वो यहाँ आसपास है क्या? चलो ना इस होटल में पूछते हैं। रुको, तुम तीनों कहाँ भाग रहे हो? वाह, फ्रेम में नहाने का मजा ही कुछ और है।
आ, ये क्या नहीं, ये मजा तो सोचा बंदा है। इसे मत खाओ, ये किसी और का है। देखो वो आंटी यहाँ भी है। मुझे आंटी कहने की हिम्मत कैसे की? हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? उस डायनासोर के करीब मत जाना। ये कहाँ जा रहे हैं? चुप, नहीं। पेरिस, वाह, देख लिया ना पेरिस कितनी अच्छी सिंगर है। रुको एस, ये तीनों पूरे सुर में गा रहे हैं। हाँ, उन्हें ये रिदम पसंद आया है। लगता है नगाड़ों की थाप और इनके गाने से एस शांत हो गया है। हर जीव को अपने जमाने की चीज पसंद होती है। ये तो वही है ना जिन्होंने हमें कार्ड फोलियो दिया था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं अंकल? अच्छा कि आप मिल गए, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप इस टापू को अच्छी तरह जानते हैं ना? मैं यहाँ का सबसे अच्छा टूर गाइड हूँ, मगर मैं यहाँ पर डांसर बनने आया हूँ। बाली 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 बाली। अच्छा है कि शो की टिकट्स नहीं दी। अर्सला, एड, संभल जा, आ रहा है, बड़ा ही खतरनाक है। वो तो दिख रहा है, पहले कपड़े तो पहन लो। नहीं, मैं अपनी नहीं, मैं डायनासोर की बात कर रहा हूँ। डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, ये भी शो का हिस्सा है। ये तो डेस्प्लीटोसॉरस है। इस रिदम पर तो वो भी नाचना चाहता है। जाओ और उसे ठिकाने लगाओ, डायनासोर एक्सपर्ट्स। मैंने ज्यादा खा लिया है, पर कोई बात नहीं, उसे भगा सकती हूँ। चलो बाहर आओ। बॉम्ब हमारे अर्थ बैरियर के सामने क्या करता है? क्यों बच्चू, आग पर पानी फिर गया ना? टैंक काउंटर अटैक। क्या हो रहा है? उसे धोबी पछाड़ दे दिया। तुम देख क्या रहे हो? चलो उसे भी धोबी पछाड़ मारो। आ,
एक बात कहूँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कि डांस बंद होने की वजह से वो नाराज था। ये बात बड़ी अजीब है, लगता है उसे पेरिस का गाना पसंद है। ठीक है, अब हम जॉम को फुल साइज में नाचने गाने देते हैं। पेरिस को भी अब खड़े खड़े तमाशा मत देखो, उस डायनासोर को खत्म करो। अभी ब्रेक हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नाच का रब बहुत हो चुका। एस निंजा Encoded by Sing Inderjeet YouTube channel. Wow! Shabash! Thanks, Chomp. मुझे उस डेस्प्लेटोसॉरस के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। फिक्र मत करो, हम उसके साथ फिर कभी डांस कर लेंगे। हाँ जरूर करेंगे, वो पिद्दी आज के बाद मेरे किसी प्लान में अपनी टांग नहीं अड़ा पाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके लिए है। मेरे लिए बिल लाए हो? जी हाँ, 7,17,777 रुपए का। आपकी स्वीट, रूम सर्विस, स्पा ट्रीटमेंट, मसाज, खाने पीने और हमारे होटल को हुए नुकसान का बिल, इसे तो भरना ही होगा, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ वैसे भी नहीं रहने वाली। क्या? अब यहाँ क्या देख रहे हो? खेल खत्म। ए, कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हारा बिल कौन भरेगा? कौन भरेगा तुम्हारा बिल? कौन भरेगा? ज्यादा अच्छा गाने लगी है। हाँ, इन्हें देख के तो लग रहा है कि इन तीनों को बहुत मजा आ रहा है। सच कहूँ तो ये तीनों बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन वापस आने के बाद से लोग गाते ही जा रहे हैं, रुकते ही नहीं। मेरा सिर दुख रहा है। कुछ भी हो, एस को म्यूजिक से काफी फायदा हुआ है ना? हाँ ये बात तो है। हाँ, एक बात तो पता लग गई कि अगर एस या तीनों में से कोई भी परेशान हो तो वो नाचने गाने से खुश हो सकता है। हाँ शायद। चलो हम फिर से गाते हैं। ओ।